गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिक्स लेसन पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। ठीक है, कथा यानी कि कहानी, बैल यानी कि जो किसान खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं ना वो। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड कुछ पिक्चर दिया है। ये देखिए, यहाँ घर है, दिख रहा है ना, ये किसान है जो क्या कर रहा है, ये दो बैल खड़े हैं और ये उनको खाना डाल रहा है। ठीक है, बैलों को खाना डाल रहा है, उसका पिक्चर है। अब आप पेज नंबर 47 पर देखिए, हम लोग चैप्टर समझते हैं। जूरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। जूरी नाम का किसान, यानी कि यहाँ पे जो किसान दिख रहा है ना वो क्या है, जूरी, इसका नाम है, किसान का नाम जूरी है। उसके पास दो बैल थे, ठीक है, वो दोनों बैलों का उसने नाम रखा था, एक का हीरा दूसरे का मोती। दोनों बैलों से बहुत प्यार था, यानी कि वो दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था। जूरी उनके पानी की बहुत ध्यान रखता था, यानी कि जो किसान था वो बैलों के लिए बहुत ध्यान रखता था, उनको चारे पानी हमेशा टाइम से दिया करता था, उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था। अतः वे भी जूरी को बहुत चाहते थे, यानी कि वो बैलों को कभी भी मारते पीटते नहीं थे, किसान जो था वो, और बैल भी क्या करते थे, जूरी से बहुत प्यार करते थे। जूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। यानी कि जूरी जो किसान है, उसकी पत्नी का भाई यानी जूरी का साला जो था गया प्रसाद, वो एक बार इनके घर आया हीरा मोती यानी दोनों बैलों को अपने कुछ दिनों के लिए, यानी कि वो अपने खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को लेने आया था, अपने घर ले गए, गाँव ले जाना चाहता था। बैल दुखी थे, यानी कि बैलों को तो जूरी से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, वो जाना नहीं चाहते थे उसके साथ, तो वो लोग दुखी थे। उनके चलने में वह उत्साह न था जो जूरी के साथ जाने में होता था, यानी कि बैल जब जूरी के साथ जाते थे ना खेत में तो एकदम खुशी खुशी जाते थे, उछलते कूदते, पर ये इसके गया प्रसाद के साथ जा रहे थे, उनको कोई खुशी नहीं है, वो दुखी होके उदास होके जा रहे हैं। इसलिए रास्ते में गया प्रसाद ने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया जिसे हीरा मोती ने सूंघा तक नहीं। यानी कि ये दोनों बैल अच्छे से नहीं चल रहे थे, तो गया प्रसाद ने रास्ते में क्या किया, दोनों बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंच के उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। जो हीरा मोती बहुत दुखी थे, तो उन्होंने वो उन्हें उसने जो भूसा डाला वो उसने सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने की ठान ली थी, यानी कि वो बैल बहुत ही दुखी थे उसके बर्ताव से, तो उन लोगों ने रात में ठान लिया था कि आज हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और भाग निकले, यानी कि उन्होंने जितनी भी शक्ति और ताकत थी वो पूरी ताकत लगाकर जो रस्सी से बांधे गए थे वो रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकले। पो फटते वे अपने मालिक के घर में थे, पो फटते यानी कि सुबह होती ही, ठीक है, तो जैसे ही सुबह हुई तो मालिक ने देखा कि वो मेरे घर में आ गए, मालिक यानी कि जूरी। जूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया, यानी जूरी जब उठ के आंगन में गया तो वहां देखा कि दोनों बैल खड़े थान पे, थान यानी कि जहां पे बैलों को बांधा जाता है, खड़ा किया जाता है वो जगह, तो उसने वहां देखा कि ये अपनी जगह पे खड़े, तो वो समझ गया जूरी। वह प्यार से बैलों के शरीर को सहलाने लगा। तुरंत जूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल बुन गई, यानी कि वह प्यार से बैलों को शरीर को सहलाने लगा, यानी कि वो दोनों को प्यार करने लगा। जूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल बुन गई, यानी कि जूरी की पत्नी ने जब उसको देखा तो वो बहुत ही गुस्सा हो गई, जलने लगी। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर उसे ही खाने लगे, यानी कि वो गुस्से में आके उस बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। पर ये दोनों बैल जो थे हीरा मोती, वो तो बहुत खुश थे अपने मालिक से मिलके, तो वो सूखे भूसे को खाने लगे खुशी से। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गए, यानी कि दूसरे दिन जब गया प्रसाद ने देखा कि मेरे घर से वो भाग गए, तो वो फिर से जूरी के घर आया, फिर वो अपने घर वापस लेके गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया, यानी कि अब जब ये गया प्रसाद अपने घर ले गया तो उन्हें बहुत ही कठिन कठिन काम करवाने लगा बैलों से। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता, यानी कि वो खेत में ज्यादा काम करवाने लगा दोनों बैलों से, और उनको खूब मारता और खूब पीटता।
शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता, यानी कि जब पूरे दिन काम करवा के शाम को घर लाता तो उन्हें मोटे मोटे रस्सों में बांध देता ताकि वो तोड़ ना सके, और रूखा सूखा उन्हें भूसा दे देता था खाने के लिए। वो लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते, यानी कि दोनों बैल क्या करते, एक दूसरे को लाचार यानी मजबूर होकर देखते रहते थे बेचारे। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी, यानी गया प्रसाद के घर में एक छोटी सी उसकी बेटी थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता, यानी कि वो जब देखती बैलों की ऐसी हालत तो उसे बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी, यानी कि शाम को तो गया उसको रूखा सूखा जो वो भूसा देता था ना, तो वो लोग खाते नहीं थे, पर जैसे ही रात होती थी सब सो जाते थे, तो उसकी बेटी क्या करती थी, रोटी ले आके दोनों बैलों को खिलाती थी। दोनों बैल उसका प्यार देखकर अपनी मार और अपमान भूल जाते, यानी कि वो देखते कि ये कितने प्यार से हमारे लिए रोटी लाई है, तो वो खा लेते थे और वो मार भूल जाते थे जो गया ने उसको मारता था, गया प्रसाद उनको मारता था, वो सारे भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इतने में वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया, यानी कि एक दिन मोती जो बैल है उसने रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इतने में वह लड़की आती है, गया की बेटी, वो दोनों बैलों की रस्सी जो है वो खोल देती है। दोनों वहां से भाग निकले, यानी कि दोनों बैल फिर से गया प्रसाद के घर से भाग जाते। अब हीरा मोती आजाद थे, यानी कि फिर से वो दोनों आजाद हो गए थे, गया प्रसाद के घर से तो वो दोनों भाग गए थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, यानी कि उनको सामने एक बुल सांड मिला, उसका सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, यानी कि अब ये लड़ने वाले थे, ये हीरा मोती थे और उसके सामने एक सांड था, अब वो जाने नहीं दे रहा था, इनके पास कोई चारा नहीं था लड़ने के अलावा। उन्होंने साहस से काम लिया, यानी हीरा मोती दोनों ने अपनी हिम्मत और शक्ति दिखाई। सांड ने हीरा के सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया, यानी कि सांड ने पहले हीरा पे वार किया, फिर मोती ने वो सांड को पीछे से सींगों से मारा। सांड घबरा गया क्योंकि यहाँ पर तो दो थे, यानी कि जब मोती ने उसको मारा तो सांड क्या है घबरा के वहां से भाग गया, क्योंकि उसने देखा ये तो दो लोग हैं मुझे मार डालेंगे, तो दोनों वो वहां से भाग गया और दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया, यानी हीरा और मोती दोनों ने उसका सामना किया और उसको वहां से भगा दिया। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।